भारी है, सब पे भारी। हाँ। अगर राजा भैया यहाँ काम के तभी तो बार बार आ रहे हैं। अच्छा? है? हाँ। नहीं तो कोई आया? कोई नहीं आया। हाँ। और राजा के आगे कोई आया नहीं ना आए। रुझान है यहाँ केवल एक राज चलेगा, जनसत्ता का। जनसत्ता का यहाँ जब भी राजा भैया चुनाव लड़े हैं तब भी विजयी हुए हैं। अच्छा। राजा भैया एक राज चलेगा, जय रघुराज। हाँ। और कोई भी पार्टी नहीं है, ना भाजपा है, ना तिवारी जी है, ना कोई पार्टी नहीं है। योगी जी आज कह रहे हैं पूरा माहौल बदल गया है। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी का जहाँ दबदबा चलता होगा यहाँ कुंडा में, प्रतापगढ़ जिले में, केवल एक राज, जय रघुराज। बीजेपी माहौल है, माहौल है। लोग कह रहे हैं जनसत्ता का रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है चुनाव बाद। राजा भैया के यहाँ पर आकर के कंपेनिंग करने का फायदा तो कुछ मिलेगा उनको, ठीक है, लेकिन जो रिव्यू ज्यादा करके आ रहा है वो बीजेपी का ही आ रहा है। अच्छा। हाँ। लड़ाई में है बीजेपी। हाँ, टक्कर का रहेगा राजा भैया के आने का, उनके जगह जगह कंपेनिंग करने का फायदा उनको मिलेगा। राजा भैया निकले हुए यहाँ से। हाँ। और कोई पार्टियां नजर नहीं रही है? और पार्टियां लाट डाट में है, मगर सब पीछे हैं राजा भैया के पीछे। हाँ। टक्कर है, त्रिकोणी लड़ाई है, सपा नहीं, नहीं, यहाँ यहाँ राजा भैया के अलावा कोई नहीं जीतेगा। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी टाल ठोकी कर रहे हैं, चाहे जो ठोके आगे यहाँ सब चले जाएंगे। अच्छा। राजा भैया किसी को कोई नहीं जीतेगा। बीजेपी है थोड़ा बहुत टक्कर में, बस जनसत्ता, जनसत्ता का। कुछ लोग तो कह रहे हैं त्रिकोणी लड़ाई भी तगड़ी लड़ाई नहीं, बीजेपी और जनसत्ता की है, दोनों की लड़ाई है। सीट किसका ज्यादा अनुमान लगा है? अनुमान तो जनसत्ता का है। अच्छा, अनुमान ज्यादा जनसत्ता। माहौल केवल दो पार्टियों का है। हाँ। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एवं बीजेपी। आगे कौन है चाचा? आगे ये 13 तारीख पता लगेगा, लेकिन फाइट दो में है, रनर विनर दो होंगे, बीजेपी जनसत्ता दल। हाँ। इसमें एक जय होगी या पराजय होगी? और भाजपा सफल लड़ाई में है कि नहीं? क्या भाजपा सफल लड़ाई में? नहीं, मुझे जनसत्ता आरी पे ज्यादा विश्वास है। अच्छा। हाँ, वो विकास करेगी, वो आएगी तो डेवलप भी होगा कुछ। काम हम करते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल काम करते हैं। विनोद सरोज जी हैं, उन्हीं की पार्टी से हैं, तो काम हम किए हैं। हाँ, बिल्कुल काम हम करते हैं। हाँ। काम करते हैं। राजा भैया का है, मतलब अब यहीं की मतलब उनका क्षेत्र है और हम लोग उन्हीं के मतलब साथ भी हैं। हाँ। वोट किए थे कि नहीं? वोट किए थे, ये देखिए। अच्छा, किसको किए थे चाचा? राजा भैया तो राजा का है, राजा का है, यहाँ पर राजा का ज्यादा उम्मीद है। यहाँ पे योगी जी का राज चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। गुंडा पे भारी है, गुंडा पे भारी है योगी जी। वैसे आरी तो भारी दिख रही है। हाँ, सब पे आरी भारी दिख रही है। अच्छा। हाँ। सबका ही था कि हम जीते हैं, हम जीते हैं, बाकी आरी अभी फिलहाल में सब पे भारी है। हाँ। जी, बाकी बीजेपी भी है, वो भी है लड़ाई में, और निर्दलीय पार्टी भी है, वो भी है लड़ाई में। अभी तो सब अपना अपना दावा कर रहे हैं, बाकी अब 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि कौन है। इस समय केवल भाजपा ही भाजपा नजर आएगी, लेकिन डरवा में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि राजा भैया यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं। क्षेत्रीय नेता केवल कुंडा के हैं वो। हाँ। यहाँ पे 25-30 साल राज किए हैं, ना विधायक कोई काम किया है, ना संसद की आरी जीतेगी अपनी। अच्छा। हाँ, जनसत्ता। हाँ। बिल्कुल। हाँ, और किया, देखिए। अच्छा, राजा भैया भोकाल है? भोकाल है, मानी सी बात है, भोकाल है। हाँ, यहाँ दबदबा चलता है राजा भैया का, जनता मानती है, फुल मानती है, क्यों नहीं भाई? जो है एकदम राजा भैया जो सपोर्ट में जो है वोट दी है, बहुत अच्छा जो है। अच्छा जी, और कोई टक्कर में दिख रहा है कि नहीं? टक्कर में ऐसे तो बहुत पार्टियां हैं जो है, लेकिन फर्स्ट जो है राजा भैया जा रहे हैं। सबसे भारी है। हाँ। सबसे बढ़िया आ रही है। अच्छा, अरसे से देखते आ रहे होंगे राजनीति को, कुंडा की राजनीति को, बाबागंज की राजनीति को, उन्हीं के पार्टी के यहाँ विधायक हैं विनोद सरोज जी, तो क्या लग रहा है काम हम किए हैं? गरीब आदमी का सुना होना जाता है कि नहीं? कहाँ सुना, कुछ सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं। आज मेरी मौजूदगी बाबागंज विधानसभा में है, और बाबागंज विधानसभा में आने वाली नगर पंचायत डेरवा में, बाबागंज विधानसभा तो है लेकिन दबदबा राजा भैया का ही है, राजा भैया का क्षेत्र माना जाता है कुंडा और बाबागंज विधानसभा। आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो 4 तारीख को मतदान हुआ आखिरकार किसके रुझान में हुआ, जनता का आकार क्या रुझान है, यही रुझान जानने के लिए आज हम डेरवा में मौजूद हैं और लोगों से रूबरू होंगे कि भाजपा पे जनसत्ता भारी है या जनसत्ता पे भाजपा भारी है, या सपा का भी कहीं खेल बोलबाला है, या कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो ताल ठोकी थी कुंडा में डेरवा में नगर प्रत्याशी को लेकर, नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर, उनकी क्या हिस्सेदारी है। तो चलिए जनता जनार्दन से सीधा जुड़ेंगे कि आखिरकार इस बार जनसत्ता की बारी है या भाजपा की बारी है या सपा की बारी है। नई नई नगर पंचायत है नव निर्वाचित, और भाई साहब साथ में हैं, क्या लग रहा है भैया नगर पंचायत इस बार डेरवा किसे चुनने जा रही है? वोट हो गया भैया? हाँ भैया, वोट हो गया है। क्या लगता है कौन जीतेगा भैया? यहाँ पर भैया जनसत्ता और भाजपा में कंपटीशन है, कोई भी निकल सकता है। अब दबदबा तो राजा का है, राजा का है, यहाँ पर राजा का ज्यादा उम्मीद है। दबदबा किसका है? राजा भैया का। राजा भैया का जी। भाजपा भी लड़ाई में है? लड़ाई में तो है, कंपटीशन है। हाँ। कोई भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जनता है राजा को ज्यादा चाहते हैं। जब तक गमछा लगाए हैं, क्या माहौल है भैया? बहुत बढ़िया माहौल है जनसत्ता का। हाँ। हाँ। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? वोटिंग परसेंटेज क्या कह रही है? जो डेरवा की जनता जनार्दन है वो किसे सरोकार करने वाली है, किसे मत, क्या लगता है किसे मत ज्यादा पड़ा है इस बार?
इस बार आरी पे ज्यादा पड़ा हुआ है, आरी पे जनसत्ता दल राजा भैया पे। हाँ आरी पे गमछा खरीदे हैं कि मिला है? गमछा मिला है, खरीदे नहीं है। अच्छा किसके समर्थक हैं? गमछा लगाए हैं तो राजा भैया के समर्थक। अच्छा हाँ। माहौल किसका है, सपा का है, बीजेपी का है कि जनसत्ता? नहीं यहाँ से डेरवा से जनसत्ता का माहौल ज्यादा है। हैं हम बाहर के हैं यहाँ के? अरे पूरे डेरवा में सब बाहर के हैं साहब। हम प्रतापगढ़ में निवास करते हैं, यहाँ आया हूँ शादी में आया हूँ भाई। अच्छा क्या माहौल रहा प्रतापगढ़ में अगर बात करें तो? मिला जुला सर था, मिला जुला था। अच्छा यहाँ जन यहाँ क्या लग रहा है डेरवा में? डेरवा भाई देखो यहाँ पर राजा भैया जीतेंगे। हाँ माहौल है। हाँ चाचा रुझान क्या लग रहा है? पता नहीं भाई हम इंदौर से आए हैं। अच्छा दूर से आए भाई, क्या नाम हुआ? माहौल राजा भैया का है, राजा भैया का। क्या लग रहा है वोटिंग परसेंटेज किसको हुई, भाजपा को हुई है? क्योंकि यहाँ राजा भैया का है। हाँ? राजा भैया माहौल है। हाँ फुल माहौल है। हाँ? सीट निकल जाएगी? बिल्कुल निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी। हाँ? हाँ? लोग सारे कांटे टक्कर है, त्रिकोणी लड़ाई है, सपा नहीं नहीं यहाँ यहाँ राजा भैया के अलावा कोई नहीं जीतेगा। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी टाल ठोकी कर रहे हैं, चाहे जो ठोके आके यहाँ सब चले जाएंगे। अच्छा राजा भैया किसी को कोई नहीं जीतेगा। अच्छा राजा भैया भोकाल है? भोकाल ही है, मानी सी बात है, भोकाल ही है। हाँ यहाँ दबदबा चलता है राजा भैया का। जनता मानती है उनको? फुल मानती है, क्यों नहीं मानती। अच्छा हाँ क्या देखिए युवा है, क्या नाम हुआ बाबू? आदित्य सिंह। क्या लग रहा है बाबू किसका माहौल है? राजा भैया। हाँ राजा भैया। चुनावी पर चुनावी चुनाव तो हो चुका है तो क्या लगता है माहौल बना है? जी बना है। हाँ जी। हाँ ये देखिए कुछ बच्चे भी हैं यहाँ, राजा भैया का माहौल कोई बनता ही नहीं। अच्छा जी लोग कह रहे हैं लड़ाई में भाजपा भी है और सपा भी है, त्रिकोणी लड़ाई हो सकती है। यहाँ सिर्फ राजा भैया। हाँ जी क्या नाम हुआ चाचा? हमारा चमनुल्ला नाम है। क्या लग रहा है किसका माहौल था चाचा इस बार? जनसत्ता, जनसत्ता का। कुछ लोग तो कह रहे हैं त्रिकोणी लड़ाई भी तगड़ी लड़ाई हो रही है। बीजेपी और जनसत्ता की है। हाँ, हाँ। दोनों की लड़ाई है। सीट किसका ज्यादा अनुमान लग रहा है? अनुमान तो जनसत्ता का है। अच्छा अनुमान ज्यादा जनसत्ता का। हाँ। काम वाम हुआ है? नहीं चाचा काम हुआ है। हाँ? राजा का घर है भाई, राजा का काम हुआ है। हाँ काम हुआ है। चलिए देखिए कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। भाई लोग हैं, पूरा मोहल्ला एकदम माहौल गर्म है। चुनाव हो चुका है लेकिन चुनाव के बाद सरगर्मी भी बढ़ जाती है, गर्मी वैसे भी बढ़ रही है। भाई जान बात कर लेते हैं। भाई जान थोड़ा इधर देखेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मोहम्मद सफियान है। क्या लग रहा है भाई क्या माहौल है इस बार नगर पंचायत में? यहाँ का माहौल बहुत ठीक है, हमारे राजा भैया निकले हुए हैं यहाँ से। हाँ और कोई पार्टियाँ नजर नहीं रही है? और पार्टियाँ लाट डाट में है मगर सब पीछे है राजा भैया के पीछे। हाँ अच्छा जनता सरोकार कर रही है तो प्राथमिकता दे रही है तो किस पार्टी को दे रही है जनता? अब सबके अलग अलग विचार हैं भैया। हाँ सबके जिससे पूछेंगे अलग अलग विचार बताएंगे। अच्छा हाँ वोट किए हैं? वोट तो दिए। दिखाइए जरा ऐसे हमारी तरफ। वोट दिए भैया, वोट दिए हैं। हाँ राजा भैया को वोट दिए हैं। अच्छा जी राजा भैया को वोट? हाँ बिल्कुल, जिसको दिया वही बोल रहे हैं ना भाई। ये देखिए भाई हैं, एक भाई मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है, बात कर लेते हैं। देखिए एक बच्चा भी इनके सहयोग में लगा हुआ है। अच्छा क्या नाम हुआ भाई? अबू शाइम नाम है आपका, क्या नाम हुआ भैया? इमाद अंसारी। क्या लग रहा है क्या माहौल है भैया इस बार कुंडा में? अब ठीक है ठाक है माहौल, सब ठीक है माहौल। कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? वैसे आरी तो भारी दिख रही है, सब पे आरी भारी दिख रही है। अच्छा आरी फाइट में है, सभी लोग जो है बक्सा जब खुलेगा तभी क्लियर होगा। फिलहाल सुनने में जो ऐसे दिखाए, सुनने में जो आ रहा है वो जो है आरी सब पे भारी यही सुनाई दे रहा है। अच्छा जनता के बीच में डेरवा में यही माहौल है कि आरी सब पे भारी है? हाँ आप ज्यादातर पूछेंगे जिससे तो ज्यादातर ऐसे कह रहे हैं, बाकी जो है जो निर्णय हो तो वो तो 13 तारीख को ही क्लियर होगा। बाकी अब, अच्छा क्या कह रहे हैं बाकी सबका अपना अपना अनुमान है, सब अनुमान आप जिससे पूछेंगे जो जिसके समझ में आएगा वो बताएगा आपसे। अच्छा लेकिन पगड़ीधारी बहुत जनसत्ता वाले दिखाई दे रहे हैं इस क्षेत्र में। जनसत्ता वाले? अरे अब राजा भैया का क्षेत्र है जो है, पगड़ी धारी तो दिखाई देंगे क्यों जो है? पीली पगड़ी दिखाई देती है तो सर पे। हाँ बिल्कुल दिखाई देंगे, क्या उसमें? हाँ। क्या विकास उकास हुआ है भैया? विकास उकास तो सब होता रहता है, किसी चाहे जो सरकार आए कम ज्यादा सबका विकास तो चल। नगर पंचायत अभी नया नया नगर पंचायत हुआ है तो अभी तो जब बनेगा गठित होगा तभी तो काम होगा आगे, पहले ज्यादा डेवलप होगा। उम्मीद तो यही लगाए हैं हम लोग कि पहले से ज्यादा काम होगा। अच्छा देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, समझ आप भी कायम है। हाँ एक बार देखिए बाबू बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ भाई? छोटेलाल। छोटेलाल भाई क्या माहौल है, क्या जनता कह रही है? जनता तो भाई जो है एकदम राजा भैया जो सपोर्ट में जो है वोट दी है बहुत अच्छा जो है। अच्छा जी और कोई टक्कर में दिख रहा है कि नहीं? टक्कर में ऐसे तो बहुत पार्टियां हैं जो है लेकिन फर्स्ट जो है राजा भैया जा रहे हैं। अच्छा जी लड़ाई में सब है लेकिन जनता जनसत्ता सबसे आगे। जी जी जी
मतलब लड़ाई हो सकती, लड़ाई में है जी का दादी वोट की थी कि नहीं? और का क्या करे रही दादी? अरे अब ना हम ना जान भैया भूल गया है, आज पाँच दिन हो गया। अच्छा दिखाइए दिखाइए कहाँ की थी वोट, दिखाइए। या देख ले ये की है ना? हाँ तो किसको की थी, भूल गई? और का अब ना इतना हम पढ़े लिखे थोड़ का भैया। अच्छा निशान बताइए, कमल के निशान पे दी थी कि साइकिल के निशान पे कि आरी की दी थी? हमारा ध्यान नहीं बा बेटवा, कौन फंदाई दिन उठे ना पा जानी कौन दे। अच्छा इतना बैलेट, अच्छा ये सुन तो लीजिए, बैलेट पेपर में इतना निशान था कि आप भूल गई? हाँ भूल गए, हम पढ़े लिखे फोटो लेते हैं। अरे सुनिए नहीं, क्या माहौल है बाबू डेरवा? बढ़िया है। कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? जनसत्ता। खरीदे हैं पगड़ी की मिली है? अरे मिली है, जनसत्ता में तो जनसत्ता मिलेगी ना। जनसत्ता में रहते हैं क्या कार्यकर्ता है? हाँ कार्यकर्ता हूँ, सुनी जाती है नहीं जनसत्ता में? हाँ अच्छा क्या चाचा क्या नाम हुआ? विनोद कुमार। क्या माहौल है चाचा जनसत्ता, जनसत्ता का है कि भाजपा का है कि सपा का भी बोलबाला है या निर्दलीय प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी उनका भी कुछ माहौल इस बार दिखाई दे रहा है नगर पंचायत कुंडा में नवसृजित है, क्या लग रहा है देरवा में? तो राजा भाई तो है ही, मतलब कि उनका ही ज़्यादा बोलबाला है। और ठीक ही ठाक है माहौल जो भी है। अच्छा बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं सब सब अपने अपने कर्तव्य भर के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा सब लड़ रहे हैं? हाँ अब नसीब के ऊपर है जो है। अच्छा लेकिन ज़्यादा किसका माहौल है अपने जगह पे? तो जितने भी हैं तो भारी भारी भाजपा भी है। अच्छा और राजा भैया का भी है और राष्ट्रवादी, मतलब सब जितने भी हैं अपने कर्तव्य भर के अच्छा सब लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के नसीब। अच्छा बाकी ऊपर वाले के नसीब में है लड़ाई, लेकिन तगड़ी हुई है नगर पंचायत देरवा में। ठीक का भैया का माहौल रहा इस बार नगर पंचायत में? एक मिनट कुछ इधर आइए, क्या नाम हुआ भैया? सुभाष श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी क्या माहौल हुआ, क्या रहा माहौल था? कौन है लड़ाई में इस बार? अब लड़ाई 13 तारीख को पता चलेगा कौन लड़ाई में है कौन नहीं लड़ाई में है। अभी क्या लगता है क्या डेरवा जनता क्या कह रही है? डेरवा की जनता यही कह रही है जनसत्ता सब पे भारी है, सबसे बढ़िया आ रही है। अच्छा और भाजपा, भाजपा लड़ाई वगैरह में है कि नहीं? सपा वगैरह भाई अपने अपनी जगह सब कर्तव्य किए हैं, अपना अपना सम्मान है और सब देखते हैं। अच्छा उसके बाद देखा जाएगा 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। 13 को रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला होगा ही, होगा ही। लेकिन जनता जनार्दन ने तो निर्णय ले ही लिया है नगर पंचायत देरवा की। अच्छा काम वाम किए हैं कि नहीं राजा भैया? बहुत झंडा वंडा लगा है, काम वाम हुआ है? नहीं काम वाम क्यों नहीं होता, बहुत काम सारा होता है। देखिए भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, इनसे बात कर लें। भाई 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 क्या नाम हुआ भाई? अजमत अंसारी। क्या माहौल बाबू, क्या माहौल है इस बार नगर पंचायत, क्या कर रही है डेरवा, क्या पुकार? माहौल तो अभी सबका ही था कि हम जीते हैं, हम जीते हैं, बाकी आरी अभी फिलहाल में सब पे भारी है। हाँ। जी बाकी बीजेपी भी है वो भी है लड़ाई में और निर्दलीय पार्टी भी है वो अच्छा। भी है लड़ाई में, अभी तो सब अपना अपना दावा कर रहे हैं, बाकी अब 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि कौन है, बाकी फिलहाल में अभी आरी सब पे भारी है। अच्छा फिलहाल अभी जो है जी अनुमान से, बाकी 13 को देखा जाएगा सबके सामने होगा भाई, जो निर्णय आएगा मालूम पड़ेगा भाई आरी है कौन है सबको मालूम पड़ जाएगा, बाकी आरी सब पे भारी दिख रही है। तो चर्चा है डेरवा में जी आरी की चल रही है, वो आरी की चल रही है। भैया बहुत यहाँ चाहते हैं भाई, चाहते हैं तभी तो वोट किए हैं। अरे राजा भैया के मानने वाले बहुत चाहने वाले हैं डेरवा में। अच्छा जी बाकी और पार्टियां भी हैं भाई, सबसे ताल्लुकात है, बाकी वोटिंग तो वोटिंग में होती है, अब देखो 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा। जी बाकी जिसको जो चुना होगा वो तो फैसला 13 तारीख को दिखेगा। देखिए भैया हैं मुस्कुरा रहे हैं, भैया एक मिनट सुन लीजिए साहब, बहुत दूर से हैं जिला प्रताप, बहुत दूर से, क्या नाम हुआ भैया? अभय त्रिपाठी। तिवारी जी क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, जनसत्ता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा कुंवर पटेल चेयरमैन होंगे और क्या चाहिए। अच्छा भाजपा वगैरह भी लड़ाई में है? सपा बेकार है यहाँ के, भाजपा बेकार है, भाजपा 10 साल से उसके सांसद है दिखता ही नहीं है, चेयरमैन बना दे वो भी गायब हो जाए। उमेश तिवारी जी भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यहाँ से लोग कह रहे हैं कि लड़ाई लड़े हैं, अच्छी लड़ाई लड़े हैं, लेकिन अब उम्मीद नहीं की जा सकती, जितना अच्छा जनसत्ता का है उतना अच्छा किसी का नहीं है। अच्छा उम्मीद भर नजर नहीं आती, केवल अगर उम्मीद किसी की नजर आती है तो जनसत्ता का। हाँ। कुंवर पटेल अच्छा सबसे अच्छा प्रत्याशी भी है और अच्छा प्रत्याशी के साथ साथ अच्छा कार्य भी होगा। अच्छा युवा है क्या सोचते हैं राजा भैया के बारे में, क्या लगता है विकास हुआ है कि नहीं? विकास भी हुआ है, जो सशक्तिकरण होना चाहिए वो रहता है उनके क्षेत्र में, और क्या चाहिए, लूट झगड़ोट नहीं है, गुंडे ही नहीं है, और क्या चाहिए आपको। अच्छा
विकास तो होता ही रहेगा, विकास अपनी जगह है, मेन चीज होती है सशक्तिकरण। अच्छा। जो समाज में एक अच्छा मैसेज है वो चीज उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रबल है। अच्छा। लोगों के बीच में रहते हैं, आम इंसान भी जाके मिल सकता है, और ऐसा नेता ही चाहिए हम लोगों को। अच्छा। ये नहीं कि गायब हो जाए जीतने के बाद, 5 साल बाद वोट मांगने आए फिर गायब हो जाए। जनता के बीच में रहते हैं राजा भैया, बिल्कुल जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, जब चाहिए जिसको चाहिए आम इंसान जाके मिल सकता है उनसे। झंडा राजा भैया का लगा है एकदम जनसत्ता, बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है, लगा रहेगा, दिल में बसे हैं तो झंडा क्या करूँगा। अच्छा। जो दिल में बसे हैं वो झंडा तो दिखाने के लिए होता है। अच्छा। वो दिल में बसते हैं। हाँ। और चुनाव पूर्वक बहुत अच्छा से हुआ। हाँ, हाँ। और यहाँ पे बहुत शांति पूर्वक बनाए रखे सब लोग जो है पब्लिक। अच्छा, किसका माहौल है, क्या लग रहा है, क्या करें? माहौल तो यही राजा भैया का है, मतलब अब यही की मतलब उनका क्षेत्र है और हम लोग उन्हीं के मतलब साथ भी है। हाँ, वोट किए थे कि नहीं? वोट किए थे, ये देखिए। अच्छा, किसको किए थे चाचा? राजा भैया को। अच्छा जी, खुले आम उसमें कोई डर दबाव कोई नहीं है, मतलब किसी के डर में रहे या किसी के रहे, जो करते हैं खुला करते हैं। अच्छा जी, क्या लगता है जो जनता है यहाँ की? हाँ जी, सरोकार करती है कि नहीं राजा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सरे दिल से जो है उनको सरोकार करती है। हाँ। जी, भाजपा वगैरह लड़ाई नहीं है, वो योगी जी आए थे। अरे लड़ाई तो सब, लड़ाई तो सब लड़ाई में थे। हाँ। तो लेकिन अब जो मतलब जो सामने है जो सही है, मतलब कि वो चीज है, मतलब सही है, सही है जो सही है वो सही है, और क्या। हाँ, जनता निर्णय ले चुकी है। हाँ, जनता एकदम निर्णय ले चुकी है। अच्छा। हाँ, देखिए एक युवा बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ बाबू? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, क्या माहौल है, वोट दिए थे? नहीं, वोट तो आया नहीं था, नाम कट गया था। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है, डरवा क्या पुकार रहा है इस बार? आरी जीतेगी। हाँ। जनसत्ता बस। अच्छा, माहौल है? माहौल है। हाँ। फुल? हाँ, फुल उम्मीद है। सत्ता भाजपा का माहौल है? है, बीजेपी है थोड़ा बहुत टक्कर में बस। अच्छा, और कोई टक्कर में नहीं है? और कोई टक्कर में नहीं है, नहीं है। हाँ। राम आश्रय सरोवर जी सपा से थे, क्या लग रहा है उनका माहौल है? हाँ, उनका थोड़ा बहुत उम्मीद पाई जा रही है बस। लेकिन सबसे भारी कौन है? आरी। और लग रहा है? हाँ। आरी जीतेगी अपनी। अच्छा। हाँ, जनसत्ता। हाँ, हाँ। बिल्कुल थे? हाँ, आउट किया था, ये देखिए। हाँ। और भाजपा सफल लड़ाई में है कि नहीं, क्या लगा? भाजपा सफल लड़ाई में? हाँ। नहीं, मुझे जनसत्ता आरी पे ज्यादा विश्वास है। अच्छा। हाँ, वो विकास करेगी। हाँ। वो आएगी तो डेवलप भी होगा कुछ। अच्छा। काम हम करते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल काम करते हैं। विनोद सरोज जी हैं, उन्हीं की पार्टी से हैं, तो काम हम किए हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल काम हम करते हैं। हाँ, काम करते हैं, काम हम करते हैं। नाम हुआ दादा? माता फिर। दादा जी, क्या माहौल रहा अगर नगर पंचायत की बात करें डेरवा में, किसका माहौल दिखा, वोट किए थे कि नहीं दादा? हाँ। किसका माहौल है? माहौल भैया भाई महाराज का, महाराज का। हाँ। राजा भैया। हाँ। लंबे कितनी उम्र है दादा जी आपकी? हमारा तो भैया 85। 85 साल, लंबे अरसे से देखते आ रहे होंगे राजनीति को, कुंडा की राजनीति को, बाबागंज की राजनीति को। उन्हीं के पार्टी के यहाँ विधायक हैं विनोद सरोज जी, तो क्या लग रहा है काम हम किए हैं? गरीब आदमी का सुना उना जाता है कि नहीं दादा? सही बताइएगा। कहाँ सुना यार, कुछ सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं होती। लेकिन वोट? वोट उन्हीं की दी। वोट उन्हीं की दी। क्या नाम बताया दादा अपना? माता। कितने साल से काम कर रहे हैं दादा जी? हम 50। हाँ? 50 वर्ष से। 50 साल से ये काम कर रहे हैं जी? हाँ। लोगों के जूते सिलते हैं, नसीब अपना अपना है साहब, रोजमर्रा के लिए कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। कितने लड़के लड़के हैं दादा आपके? दो लड़के हैं, दो लड़के। सरकारी आवास वास मिला है कि नहीं? कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है? ना, ये पहले शुरू मिला रहा एक जगह में। क्या मिला था? कॉलोनी। कॉलोनी मिली थी, मतलब छप्पर है। लड़के वड़के हैं आपके? हाँ। कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं, दो लड़की। दो लड़के, दो लड़की। कमाते माते हैं कहीं लड़के? कहाँ कमाते, ये कर यही करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मैं सत्येंद्र हूँ। क्या जी सत्येंद्र जी, चाचा क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल केवल दो पार्टियों का है। हाँ। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एवं बीजेपी। आगे कौन है चाचा? आगे ये 13 तारीख पता लगेगा, लेकिन फाइट दो में है, रनर विनर दो होंगे, बीजेपी जनसत्ता दल। हाँ। इसमें एक जय होगी, एक पराजय होगी, एक रनर होगा। आगे कौन लग रहा है? मतलब ये 13 तारीख रुझान लग रहे हैं लोगों, क्या रुझान है? अब क्या बताया जाए, हम बता रहे हैं दो पार्टियों में। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, कौन क्या रुझान है? रुझान है यहाँ केवल एक ही राज चलेगा, जनसत्ता का। जनसत्ता का यहाँ जब भी राजा भैया चुनाव लड़े हैं तब भी विजयी हुए हैं। अच्छा। राजा भैया एक ही राज चलेगा, जय रघुराज। हाँ। और कोई भी पार्टी नहीं है, ना भाजपा है, ना तिवारी जी है, ना कोई पार्टी नहीं है। योगी जी आज कह रहे हैं पूरा माहौल बदल गया है। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी का जहाँ दबदबा चलता होगा यहाँ कुंडा में प्रतापगढ़ जिले में केवल एक ही राज है, जय रघुराज। और किसी का दबदबा है? और किसी का नहीं, और कोई भी जो कहे, पार्टियां तो लड़ी है, पार्टियां तो लड़ी है, सपा का भी लड़ा है, बीएसपी भी लड़ी है, बीएसपी भी लड़ा है, भाजपा भी लड़ी है, मगर यहाँ केवल जनसत्ता है। जनसत्ता है क्या कहेंगे? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, केवल जनसत्ता है, जनसत्ता किससे लड़ी है? इनसे ये पूछिए, जनसत्ता कोई किससे लड़ी है? जनसत्ता किससे लड़ी है? इनसे पूछा, किससे लड़ी है जनसत्ता? जनसत्ता बीएसपी है, सपा है, भाजपा है।
हमको खोल दीजिएगा तब माहौल बनेगा एकदम, समझ रहे हैं? अब क्या माहौल है बताइए। यहाँ पे योगी जी का राज चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। गुंडा पे भारी है, गुंडा पे भारी है योगी जी। अच्छा, इस समय केवल भाजपा ही भाजपा नजर आएगी। लेकिन डरवा में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि राजा भैया यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं। क्षेत्रीय नेता केवल कुंडा के हैं वो। यहाँ पे 25-30 साल राज किए हैं, ना विधायक कोई काम किया है, ना संसद किया है काम। केवल ये गुंडागर्दी के दम पर यहाँ से जीतते हैं वो, गुंडागर्दी पे जीतते हैं। बाकी इन कुछ दबदबा नहीं है, केवल भाजपा विजयी हो रही है 13 तारीख को। अच्छा, हाँ, फुल बहुमत से पूरे प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में कुंडा छोड़ के बाकी सारी सीट पे भाजपा हावी है। कुंडा में क्या माहौल है चाचा? कुंडा में केवल गुंडागर्दी है, केवल सपा प्रत्याशी को मार पीट करके वो धांधली गर्दी से वो जीतेगी वहाँ से। अच्छा। राजा भैया बाकी और कहीं नहीं जीत पाएंगे वो। दूर दूर तक कोई निशान नहीं है उनका, कोई वर्चस्व नहीं है, केवल गुंडागर्दी के दम पे वो जीतेंगे। अच्छा। बाकी कुछ नहीं है और नहीं कुछ नहीं है भैया। तीन नगर पंचायत सीट पे लड़े हैं जनसत्ता वाले, कह रहे हैं तीनों नहीं, केवल भाजपा। भाजपा योगी जी की राज है, योगी जी की सरकार है, योगी जी काम कर रहे हैं हर जगह। अच्छा, माहौल है, माहौल पूरा योगी जी आने के बाद ही माहौल बन गया है। अच्छा, राजा भैया क्या लग रहा है कि यहाँ उनका असर दिखेगा कि नहीं? कुंडा में तो नहीं दिखेगा, बाकी कहीं भी लगे या न लगे, डेरवा में नहीं है। डेरवा में कौन है आगे? केवल भोला सेठ। भोला सेठ का माहौल है, माहौल है। लोग कह रहे हैं सपा भी अच्छी लड़ी है आप। नहीं, लड़ी है मगर तीसरे नंबर पे। अच्छा, और उमेश तिवारी जी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो प्रधान रहे, वो कह रहे हैं कि उनका माहौल तगड़ा है, निर्दलीय ना होते तो शायद वही जीतते। वही जो है भाजपा का टिकट काट दिए हैं वो, बाकी बहुत बहुमत से भाजपा निकलने की मूंग में थी, मगर थोड़ा बर्जस्त कम है, निकलेगी मगर भाजपा। क्या लगता था वो भाजपा के दावेदार नहीं थे क्या? मुख्य थे मगर वो राजा के पक्ष में थे, कभी राजा कभी वहाँ दल बदलू नेता की तरह रहते थे। अच्छा, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी जिस डाल पे जैसे बंदर छलांग मारते उसे लगा रहे हो। लोग कह रहे हैं वो जिस पार्टी से होते उसका निकाल देते, लेकिन लड़ाई में है वो भी। हाँ, लड़ाई में तो थे। अच्छा, मगर जब ये पार्टी बल उस पर चली गई इसलिए गड़बड़ हो गया उनका। भैया क्या नाम हुआ साहब? विजय सरोज नाम है मेरा। क्या लग रहा है रुझान? नहीं, पूरी तरह से स्पष्ट है कि 13 तारीख को जनसत्ता दल का प्रत्याशी यहाँ से विजयी हो रहा है। हाँ। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हाँ। और चाचा कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है इस बार। भाई आपकी अपनी पार्टी है, आप अपनी पार्टी के लिए कह सकते हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि पूरी तरह से जो है जनसत्ता दल का प्रत्याशी ही जो है विजयी होगा। अच्छा। और विगत 30 वर्षों से राजा भैया अगर यहाँ के जनता के दिलों में उतरे नहीं होते तो इतने दिनों से विधायक नहीं बने रहते। अच्छा। यहाँ के बाबागंज के विधायक श्री विनोद सरोज जी भी, वो भी लगातार विधायक बने रहे हैं बिना जनता के दिल में उतरे हुए, बिना काम किए हुए। वो कह रहे हैं काम विकास का काम नहीं हुआ, बिना काम के कोई विजय नहीं होता है। गुंडा राज चला है बस, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं अगर गुंडाई का कोई प्रमाण पत्र अगर भाई साहब दे दें तो मैं मान जाऊंगा कि विजयी यहाँ पर गुंडा। गुंडाई का प्रमाण पत्र आप दे दीजिए तो ये मान जाएगी। भैया ओटा पोटा सब लगा है, काहे मगर पूछे बात यह कहा उनहक का मरवाई डायन, उनका मरवाई डायन का नहीं पता है। अच्छा। पूरा चैनल पर चलता है। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक, वो राजनीतिक नैतिक नहीं है भैया, वो पूरा जनता जान रही है क्या है क्या नहीं है। अच्छा। हाँ। ये तो कह रहे हैं क्या लग रहा है? गुंडई वाली बात नहीं है, अगर जनता उनको पसंद नहीं करती तो बार बार विधायक और सांसद यहाँ से नहीं चुने जाते। अच्छा। ये बीजेपी का है, इस समय बीजेपी के हैं, इसके पहले लगातार माननीय अक्षय प्रताप जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। आरी भारी है, क्या लग रहा है भैया? आरी जीतेगी भैया। हाँ? 13 तारीख को पूर्ण बहुमत से आएगी। क्या आरी निकली है यार पूर्ण बहुमत से? हाँ, आरी, हाँ, एक तरफा जीत हुई है यार। अच्छा, क्या लग रहा है युवा साथी हैं, किसका माहौल है भैया? आरी आरी। हाँ? आरी जीतेगी। अच्छा, बिल्कुल। क्या लग रहा है भैया, क्या नाम हुआ? आरी है सब पे भारी। हाँ? हाँ, अगर राजा भैया यहाँ काम के तभी तो बार बार आ रहे हैं। अच्छा, नहीं तो कोई आया? कोई नहीं आया। और राजा के आगे कोई आया नहीं ना आएगा। योगी जी आज कह रहे हैं माहौल ही बदल दिया है। कुछ ना है, कुछ ना कौन माहौल लेगा, कौन माहौल लेगा, राजा जैसा कोई नहीं है यहाँ। केवल एक ही राज, बस जय रघुराज। अच्छा, बस काम वाम किए हैं कि नहीं भाई? काम बहुत किए हैं। एक मिनट चाचा से बात कर ले। चाचा सुनिएगा एक मिनट, क्या नाम हुआ चाचा? कनिष्क। कनिष्क सिंह। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार डरवा में? बीजेपी माहौल है, माहौल है। लोग कह रहे हैं जनसत्ता का रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है चुनाव बाद। राजा भैया के यहाँ पर आकर के कंपेनिंग करने का फायदा तो कुछ मिलेगा उनको, ठीक है, लेकिन जो रिव्यू ज्यादा करके आ रहा है वो बीजेपी का ही आ रहा है। अच्छा। हाँ, लड़ाई में है बीजेपी। हाँ, टक्कर का रहेगा राजा भैया के आने का,
उनके जगह जगह कैंपेनिंग करने का फायदा उनको मिलेगा, लेकिन अगर टक्कर में है तो दोनों लोग ही टक्कर में। बाकी क्या माहौल रहा बताया तो का चार मेरा बताई क्या बताया तीन दौर लड़ाई क्या बताया तीन पार्टी में लड़ाई है आप देखा के जीता था मतलब तू तीनों में हम तीनों में नहीं ना जो बतावत आई देखे बतावत आई। अच्छा देखने के बाद ये पता चल रहा है कि त्रिकोणी लड़ाई है। चलिए जनता जनार्दन से हमने पूछे सवाल कुछ कि क्या माहौल रहा इस बार नगर पंचायत कुंडा में, क्योंकि नौसृजित थी, भाजपा का कमल खिलेगा या जनसत्ता का बोलबाला रहेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जनसत्ता के बारे में कहा है कि राजा भैया सब लोगों के चाहते हैं, वो क्षेत्रीय नेता हैं, इसलिए हमारा जो मत है उन्हीं को गया है। लेकिन अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरा मैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।